करने वाले हैं कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग। इस वीडियो में जो भी पीएनजी एंड बैकग्राउंड यूज़ होंगे वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके मुझे आप फॉलो कर लो और वहाँ से सब जाके डाउनलोड कर लो। वीडियो में हम तो लाइट रूम प्रेसीट्स का यूज़ करने वाले हैं, वो दो भी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लाइट रूम प्रेसीट 1 आपको फोटो एडिट करने से पहले यूज़ करना है, और लाइट रूम प्रेसीट जो 2 है वो आपको फोटो एडिटिंग करने के एंड में यूज़ करना है। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको अपने फोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन में ऐड कर लेना है। उसके बाद आप चलते हैं, मैं जो आपको प्रेसीट दिया हूँ उससे आप जाके सिंपली यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। ये दो टूल्स को एक्टिव करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं अपने वो पिक पे जो हमें एडिट करना है, उस पर जाके हम यहाँ से सिंपली इसे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट करने के बाद हम इसे ले चलेंगे सिंपली अपने पिक्सआर्ट ऐप पे। इस फोटो का कटआउट मैं पहले से कर रखा हूँ, आपको अगर कटआउट करना नहीं आता तो मैं उस पर भी एक वीडियो दे रखा हूँ, आप वो जाकर ज़रूर देख लेना। तब हम ले चलते इसे पिक्सआर्ट ऐप पे। ये रहा हमारा बैकग्राउंड, इसमें हम अपने फ़ोटो का कटआउट ऐड करेंगे। इसे हम सिंपली ऐड करने के बाद पूरे बैकग्राउंड में जिससे ये बैठा एडजस्ट कर लेंगे। और मैं इसे ज़रा इरेज कर लेता हूँ। यह हमारा मॉडल पूरे बैकग्राउंड में बैठ गया है। उसके बाद हम चलेंगे सिंपली ऐड फोटो पे। उसके बाद हम वो आइस की पीएनजी ऐड करेंगे और इसे सिंपली बड़ा करके अपने आइस पे बैठाते हैं। और ये हम ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं, और ये ज़रा आपको ऊपर से इरेज कर लेना है सिंपली। इसका साइज ज़रा हम छोटा कर लेते हैं और ये हम यहाँ सिंपली इरेज कर देंगे। ज़रा नीचे से भी कर लेता हूँ मैं। ये इरेज हो गया। उसके बाद हम फिर सिंपली चलेंगे ऐड फोटो पे और ये स्मोक की पीएनजी ऐड कर लेना है। और ये आप चाहे तो साइड की ओर भी ला सकते हैं, मुझे बीच में अच्छा लगा इसलिए मैं बीच में लगा लिया हूँ। अब हम इसे कर लेंगे इरेज। ये जो साइड में स्क्वायर जैसा है उसे हम गोल कर देंगे। ये मेरे आइस पे भी आ रहा है ज़रा, मैं उसे भी इरेज कर लूँ। ये हो गया हमारा। अब हम इसे सिंपली कर देंगे डन। फिर चलेंगे ऐड फोटो पे और ये जो फायर स्मोक है उसे फिर से ऐड कर लेंगे और इसे थोड़ा राउंड करके बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ हम सिंपली रेस के बगल पे जो है आइकन उस पर हम क्लिक करेंगे और इसे डाउन कर देंगे। मूव डाउन करने के बाद चलेंगे इरेज पे। ये हमारा हो गया है जस्ट। इरेज पे जाने के बाद उसे इरेज कर लेते जो दिख रहा था, और मेरे आइज पे भी आ रहा है इसे भी हम सिंपली कर लेते इरेज। ये हमारा हो चुका है इरेज, अब इसे हम कर लेते हैं डन। ये हो गया हमारा डन। फिर से चलेंगे हम ऐड फोटो पे और ये ज़रा पीएनजी है इसे क्या बोलते हैं आप कुछ भी बोले इसे सिंपली ऐड कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं ब्लेंड पे। ब्लेंड पे आगे से सिंपली स्क्रीन कर लेना और इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लूँगा। उसके बाद हम फिर से चलेंगे ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे चलते हैं। ऐड फोटो पे जाने के बाद हम फिर से उसी पीएनजी को ऐड करेंगे। इसे हम इस ब्लेंड में जाके स्क्रीन कर देंगे। इसे हम राउंड कर देंगे। इस बार हम दूसरे साइड लगाने वाले हैं इसे। ये हो गया, ये मेरा आ रहा है जरा इस पर, उसे हम जरा इरेज कर लेते हैं। ये हमारा हो गया इरेज। अब यहाँ इरेज हो गया है। हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ओपेसिटी कम, इसे हम सिंपली डन कर देंगे। इसके बाद हम फिर से चलेंगे ऐड फोटो पे और ये पीएनजी वाइट वाला स्मोक टाइप का है, इसे हम ऐड करके पूरे स्क्रीन पे फिल कर देंगे। उसके बाद हम सिंपली इसकी ब्लेंड पे स्क्रीन कर देंगे और इसकी ओपेसिटी ज़रा कम कर देंगे अराउंड 80
बस ये हो गया, इसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा सिंपली डन। उसके बाद हम फिर से चलेंगे ऐड फोटो पे। इस पे ये रेड वाला जो है इसे हम सिंपली ऐड कर लेंगे। उसके बाद चलेंगे एडजस्टमेंट पे। ये हम एडजस्टमेंट में जाके इसकी ब्राइटनेस को फुल माइनस कर देंगे। उसके बाद हम इसे कर लेते हैं डन। उसके बाद चलेंगे इरेज पे। इरेज पे चलने के बाद हम इसे इन्वर्ट कर लेंगे और इसे हल्की हल्की लाइन अपने हाथ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये मुझसे थोड़ा गलत हो गया, इसे हम बैक कर लेते हैं। उसके बाद इसकी थोड़ी ओपिसिटी कम कर लेंगे और यह हो गया। अब इसे हम थोड़ी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हाथ पे ड्रॉ कर लिए, मैं थोड़ा नीचे भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये थोड़ी अच्छी लगती है दिखने पे, फायर की थोड़ी बैकग्राउंड के आते ऊपर। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। अब ये मैं थोड़ी इस साइड भी ड्रॉ कर लूँगा, साइज थोड़ा छोटा करके इधर भी ड्रॉ कर लूँ और ये थोड़ी ऊपर की साइड भी कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा। इसे मैं थोड़ी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा। थोड़ी इस साइड भी कर लूँगा। इस साइड भी कर लेने के बाद हम इसे कर लेते हैं डन। इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ा कम कर लूँगा। ये हो गया हमारा। अब इसे मैं कर लूँगा सिंपली डन। अब चलेंगे हम ड्रॉ टूल पर। ड्रॉ टूल पर जाने के बाद आप ये ब्रश सिलेक्ट कर लेने के बाद इसकी हार्डनेस फुल माइनस और ओपेसिटी फुल रख के रेड कलर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद साइज आप 40-50 रखो। उसके बाद हम इसे सिंपली ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम चलते हैं ट्रांसफ़र पे। इसे ट्रांसफ़र कर लेने के बाद इसे आइस पे लेने के बाद इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे। ये हो गया हमारा सिंपली। अब इसे हम जाके ऐड कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ऐड। इसके बाद हम इसकी ओपेसिटी 9-10 लगभग रख लेंगे। ये मैं 9 रख लेता हूँ। अब उसके बाद हम कर लेते हैं इसे डन। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या ही गजब लुक आ रहा है। बस इसमें और हम थोड़ा कलरिंग ग्रेडिंग कर लेंगे, वो होगा हमारे लाइट रूम पर। इसके लिए हम कर लेते हैं सिंपली इस फ़ोटो को अपने फ़ोन में सेव। ये हो गया हमारा सेव। हम चलते हैं लाइट रूम पे आ गया। उसके बाद हमें मैं जो आपको दो प्रेसीट दे रखा हूँ, वो दो प्रेसीट में तो एक तो हम पहले यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया अब हमारा दूसरा। ये रहा हमारा दूसरा प्रेसीट और इसे भी हम उसी तरह सिंपली यहाँ से जाके कॉपी कर लेंगे। दोनों टूल्स को सिलेक्ट करके इसे सही कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने फ़ोटो पे और यहाँ से हम जाके इसे सिंपली पेस्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं क्या ही गजब लुक आ रहा है। अब एकदम विजय महर जी के जैसा फ़ोटो।